वर्तमान जो है जिसका नाम विजय है, क्या उसका धर्म परिवर्तन भी करवाएगा? वर्तमान में पूरे घटनाक्रम में जो सदाकत इत्यादि की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उसके हिसाब से ये उस्मान ही है। और जो प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा रहा है इसके बारे में गहन विवेचना चल रही है, जब चीजें पुष्ट होंगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस ने सुबह उठते ही एक और कथित आरोपी का इनकाउंटर कर दिया। सुबह सवेरे ही यूपी पुलिस ने प्रयागराज में उस्मान चौधरी उर्फ विजय चौधरी को ढेर कर दिया, लेकिन इसके बाद एक विवाद ने तुरंत जगह ले ली। दरअसल पहले पुलिस ने आरोपी को उस्मान चौधरी बताया, लेकिन परिवार ने दावा किया कि मारे गए युवक का नाम विजय चौधरी है और वह दलित समुदाय से है। इसके बाद से लगातार यूपी पुलिस पर कई किस्म के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मारा गया शख्स उस्मान चौधरी है। वर्तमान में पूरे घटनाक्रम में जो सदाकत इत्यादि की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उसके हिसाब से ये उस्मान ही है। और जो प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा रहा है इसके बारे में गहन विवेचना चल रही है, जब चीजें पुष्ट होंगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। हालांकि प्रशांत कुमार ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि क्या विजय चौधरी का धर्म परिवर्तन किया गया था या नहीं। वहीं विजय उर्फ उस्मान की पत्नी और पिता दोनों इस बात से इनकार कर रहे हैं कि विजय का धर्म परिवर्तन हुआ है या उसने धर्म बदल कर खुद को उस्मान कर लिया। नहीं, ये सब फरोबी है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग फंसा रहे हैं जबरदस्ती, इसलिए तो उनको इनकाउंटर कर दिए, मुसलमान बना दिए उनको, इसलिए बोल दिया कि अतिकवा के मन में अतिकवा को उसमें फड़ गए हैं कि अतिकवा का मन नहीं है। हम लोग इतने दिन से देश में हैं, हमको लोग पता नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, गाँव टोला वाले भी जानते हैं कि क्या नाम है, हम लोग मुसलमान हो गए हैं। पुलिस जो कह रही है नाम गलत है, उस्मान जो नाम ले रही है, नाम बिल्कुल गलत है, इनका नाम बिल्कुल गलत है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग फंसाए गए हैं, इनका नाम उस्मान नहीं नाम है। हमारे पति को मारे हैं तो हमको भी मार रहे हैं, बस हो गया। क्यों आपको क्यों इनकाउंटर करे? हमारा भी करिए, हमारा कौन है, आगे पीछे कोई नहीं है मेरा, मैं भी लंबी शादी की थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, उनके सिवा कोई नहीं था। मतलब क्या गलत मारा गया? बिल्कुल गलत मारा गया है, बिल्कुल गलत मारा गया है। नहीं, उस्मान नहीं नाम था उसका, विजय चौधरी नाम था, उसके बाद उर्फ नान बाबा कहते थे। नान बाबा, हाँ। तो उस्मान कैसे क्यों कहा जा रहा है? उस्मान ये गलत फंसाया जा रहा है, पुलिस गलत फंसा रही है। तो क्या लगता है आप लोग हिंदू हैं कि मुसलमान? ऐसा नहीं, हम चमार हैं, सीधा सीधा हिंदू चौधरी जिसको कहते हैं चमार, चमार बिरादरी से हैं। तो उस्मान नाम क्यों जोड़ रही है बार बार? वो गलत है, उल्टा कह रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं। हाँ, मतलब गलत है। गलत। असली नाम क्या है? विजय चौधरी। और आप लोग किस जाति से बिलोंग करते जो कि फिर भी उस्मान कहा जा रहा है? हम लोग ज्यादा मशहूर हैं, उसके बाद चौधरी अब लिखते हैं। अच्छा। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो युवक एनकाउंटर में मारा गया क्या वो उस्मान चौधरी था या विजय चौधरी, और तो और पुलिस परिवार में से कौन सच बोल रहा है? प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।